गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्यों आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक से कि ऐसा हमने किया क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इनकॉर्पोरेट किया। हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाकर काम क्यों नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या रोल होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जनरल क्या होता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो ये रहा मेरा चैप्टर नंबर 11। बाय द वे, ये मेरी जो लोकल कंप्यूटर की डिस्क है वो है, तो आप लोगों को मैंने ड्राइव पे ऑलरेडी दे दिया है, मैंने लिंक दे दिया है, और अगर कहीं और भी जाएगा, वैसे codevithari.com/notes पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आकर आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जावास्क्रिप्ट को कमिंग सून पर रखा है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ नोट्स की एक जिप फाइल, जैसे कि अगर आप डीएसए नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मज़ा आने वाला है इसको सीख कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके काम को आसान बनाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनके कामों को मुश्किल बनाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो अगर मैं लिखूँ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो पहले तो मैं अपना व्यू दूंगा और उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा कि क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ से आपको समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो, कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड में जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसको आसान बना पाएं। मैं बहुत ही हाई लेवल बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग आप सोच लो, आपका फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है, इसके अंदर ऐप्स चलती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ऐप्स चलती है, अब देखो मैंने इसकी तरफ देखा, इसने जो है स्क्रीन को जो है खोल दिया। ठीक है, कैसे ये कैसे पॉसिबल हुआ? ठीक है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है इस फ़ोन के अंदर, जिसने कुछ ना कुछ करके मेरे फ़ोन को बताया कि हाँ यार, मैंने इसकी तरफ़ देखा है, तो क्योंकि मैंने इसकी तरफ़ देखा है तो इसको जो है मुझे टाइम दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे ही मैं फ़ोन की तरफ़ देखूँ मुझे टाइम पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। और भी तरह की हम ऐप्स बनाते हैं, उसमें हम रियल वर्ल्ड के साथ कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा गेम है, मैं उसके अंदर क्या टहलाऊंगा? इंसानों को टहलाऊंगा, मैं उसके अंदर पेड़ बनाऊंगा, मैं उसके अंदर एनिमी बनाऊंगा, तो वो क्या होगा? एक ह्यूमन बीइंग होगा। तो अगर मैं बार बार हर एक एनिमी की कोडिंग अलग अलग कर रहा हूं, तो कोड की रियूजेबिलिटी जो है उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। तो एक एंटाइटी मैं डिफाइन करना चाहता हूं, अगर मान लो ह्यूमन, तो मैं वो प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकता हूँ? अगर मान लो मुझे 15 ह्यूमन, जैसे मान लो मैं एक गेम बना रहा हूँ, GTA Vice City बना रहा हूँ, मान लो मैं GTA Vice City में खुद हूँ, मैं टहल रहा हूँ, और GTA Vice City या GTA 5 के अंदर बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी, उनमें भी वही प्रॉपर्टी रहे जो मेरे अंदर है, यानी कि जो प्लेयर है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो पेडेस्ट्रियन में भी रहे। अगर प्लेयर मार सकता है तो पेडेस्ट्रियंस भी पलट के एक चांटा मारते हैं। आपने खेला हो गेम तो आपको पता होगा, एक बार मैंने बिल्ली के मार दी थी, वो मेरे पीछे बढ़ गई थी बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको रखनी है तो कैसे रखोगे? आप सिर्फ एक एंटिटी बनाओगे, एक बार कोडिंग लिखोगे ह्यूमन की या फिर प्लेयर की या फिर जो भी आपको लिखना है किसी भी एंटिटी की, और उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइन कर दोगे। फिर आप जिस तरह से रियल वर्ल्ड में कहते हो कि हैरी डॉट रन या फिर हैरी डॉट स्पीक या हैरी डॉट सिट, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर पाओगे। आप ह्यूमन क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लोगे हैरी, और ये करने के बाद आप बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड में जैसे आप बोलते हो उसी तरह से आप लोग बोल पाओगे। ठीक है, ये होता है एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब एक बहुत बड़ी लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होती है कि क्या बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काम नहीं हो सकता? जवाब है यस, हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चीज़ों को आसान बनाने के लिए होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं होती है कि आप लोग जो है आपको करना ही है, एक काम हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, वो कहीं और से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी काम आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करते हो वो आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग से भी हो सकता है, आप फंक्शंस बना बना के भी कर सकते हो, ये एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, बस ऐसे समझ लो आप लोग। ठीक है, तो इसके 4 पिलर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो पिलर्स होते हैं, इनको मैं सबसे पहले आप लोग को समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ इंटरनल डिटेल्स, यानी कि आप इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दोगे और सामने वाले से कहोगे यार तुम आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने एक मिक्सर बनाया, तो मैं कहूँगा कि यार ये मिक्सर जो है इसके अंदर किस तरह से चल रहा है, क्या क्या कर रहा है ये अंदर, उससे उसकी टेंशन आप मत लो, आप बस मिक्सर डॉट रन को कॉल करो और मिक्सर आपका चल जाएगा। ठीक है,
अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पांच चीज़ें हैं, पांच चीज़ों की एक एंटिटी बना दी। जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने पांच अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करी, एक स्पीकर इस्तेमाल करा आपने, उसके बाद मदरबोर्ड इस्तेमाल करा आपने, नेटवर्क के लिए वाईफाई मॉड्यूल इस्तेमाल किए, ये सब करके आपने एक लैपटॉप बना दिया, आपने एक सिंगल एंटिटी बना दी पाँच छः चीज़ों को, तो वो इनकैप्सुलेशन है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपने फ़ोन बनाया, आप उसको स्मार्टफोन बना सकते हो, यानी कि आपने जो फ़ोन बनाया था, जो जिस फ़ोन से सिर्फ कॉल होती है, आप अगर उसमें कैमरा वगैरह सारे फीचर्स ऐड कर दोगे तो वो एक स्मार्टफोन बन जाएगा। तो आपको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पुराने फ़ोन का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ लेकर ऑन टॉप ऑफ दैट काम कर सकते हो, और आप उसमें कैमरा ऐड कर सकते हो, वाईफाई मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, डिस्प्ले अच्छी वाली लगा सकते हो, और जो नेटवर्क वाली चीज़ें, कॉन्टैक्ट स्टोर करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो वैसे के वैसी रहेंगी। ये इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक चीज़ अलग अलग फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपका फ़ोन एक स्मार्टफोन भी है, आपका स्मार्टफोन एक कैमरा भी है, आपका स्मार्टफोन एक नोट टेकिंग ऐप भी है, ऐप नहीं कहूँगा, नोट टेकिंग डिवाइस भी है, आपका जो लैपटॉप है वो आपके लिए एक ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है अगर वो टच स्क्रीन लैपटॉप है, आपका आईपैड एक फ़ोन भी हो सकता है अगर आप उससे कॉल्स कर रहे हैं, आपका आईपैड एक आपका आईपैड टीचिंग डिवाइस भी है, ठीक है। तो एक चीज़ अलग अलग फॉर्म्स, तो ये चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के, ठीक है, पूछे जाते हैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं देखोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को मेनली यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को बिल्ड करने में, लेकिन हमें आना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। बट मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं देखोगे जब आप बेसिक एप्स बना रहे हो, या फिर आप लोग मान लो नोट जी एस बैकेंड्स बना रहे हो, शायद आप लोग उतनी ज़्यादा ना देखो। ये इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा काम करो जिसमें जावास्क्रिप्ट की क्लासेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसलिए मैंने आप लोग को ये बताया। अब अगर मैं विकिपीडिया की डेफिनेशन की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन कंटेन डेटा एंड कोड, डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। जो कोड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर होगा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड होगा। यानी कि आपने जैसे अगर एक ह्यूमन क्लास बनाई, उस ह्यूमन में आप लोग देखो यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन क्लास ही बना रखी है, देखो ह्यूमन क्लास बनाई तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस कहाँ रहता है, वो मेथड्स में वेरीफाई है, सेंड मेल है, रन है, ईट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन कर सकता है। और इसके बाद आप इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आपने एक मान लो शुभम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, रोहन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, विक्रांत नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, अभिलाषा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में आप लोग अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपने मान लो अभिलाष नाम का एक ह्यूमन बनाया तो उसका ईमेल एड्रेस अलग होगा, उसका फिजिकल एड्रेस अलग होगा, जो कि रोहन का एड्रेस है उससे, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कुछ ऐसे समझ लो। बहुत सारे लोगों को शायद इतना कुछ सुनने के बाद भी नहीं आई होगी समझ में, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम जो करने वाले हैं अभी वो करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी आने वाली है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पहली बार अगर आप लोग सुन रहे हो तो समझ में नहीं आएगी, बट आप फ्लो के साथ चलते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, एट दिस पॉइंट आप लोग फील कर सकते हो कि यार मुझे चीज़ें अब समझ में आना बंद हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एट द एंड आप वापस आना नोट्स पे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। सो अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की ये जो प्लेलिस्ट है एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर कर लें एक्सेस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।